हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे धातुओं से बनने वाले टॉप 95 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम से पहले एक क्विक रिवीजन होगा, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम की, या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की। जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहाँ पर धातु से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। यहाँ पर हम धातुओं से यानी कि मेटल से टॉप 95 क्वेश्चन को एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए देखेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे और एग्ज़ाम से कम समय में इन क्वेश्चन को देख सकें। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातुएं, मेटल। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं धातु कर्म। धातु कर्म, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाकू से जिसे काटा जा सकता है वो धातु कौन सी है? तो ये है आपकी सोडियम एवं पोटेशियम। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? फ्यूचर मेटल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है टाइटेनियम को। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? आंसर है तांबा। ठीक है, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम तांबे की खोज की गई। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो ये है आपका हरा रंग। ठीक है, बेरियम से क्या होता है? हरा रंग बनता है आतिशबाजी में। आतिशबाजी में स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग उत्पन्न होता है? आंसर है गहरा लाल। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसलिए पारे का प्रयोग करते हैं। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन के तेल में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? आंसर है एल्यूमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसके अंदर मिलाया जाता है दोस्तों क्रोमियम। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है बिल्सन रोग। ठीक है, अगर शरीर में कॉपर अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होगा? बिल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग करते हैं? सही आंसर है सेलिनियम। सेलिनियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसका प्रयोग होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आंसर है सल्फर। धातु में सर्वाधिक हीन चालक बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? तो यह है सीसा। ठीक है, यानी कि लेड, पीवी जिसका सूत्र है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? देखिए, भविष्य की धातु अलग थी, वो टाइटेनियम है, ये भविष्य का ईंधन है, तो ये है आपका हाइड्रोजन। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? आंसर है चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र है CO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी है ओस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है आपका यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोनोजाइट ये थोरियम का प्रमुख अयस्क होता है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो देखिए, इसके नाम याद रखिएगा, एरागोनाइट और दूसरा है कांचीयुलिन। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो ये बनता है मैग्नीशियम सिलिकेट से। किससे? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अवरक
कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है। सिनेवार किसका एस्क है? तो सिनेवार ये पारा का एस्क होता है। क्रायोलाइट अथवा बॉक्साइट, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? आंसर है एल्यूमिनियम के। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सही आंसर है सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, जब सोडियम को जल में डाला जाता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? तो ये शीतलक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में किया जाता है। किस संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है? तो हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है चतुष्फलकीय संरचना के कारण। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज की कड़वाहट का कारण है प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेट यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे कठोर धातु की बात हो रही है तो यह है प्लेटिनम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा कसीस का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। ये सभी मैंने इकट्ठे लिख रखे हैं यहाँ पर, इससे कि आपको याद रहे। सूत्र है Fe(SO4)7H2O, रासायनिक सूत्र। नीला कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला कसीस का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र है CuSO4। देखिए ये सॉरी ये था Fe(SO4) और ये है CuSO4)5H2। सोइत यानी कि वाइट सोइत कसीस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है जिंक सल्फेट। रासायनिक सूत्र है Zn(SO4)7H2O। लाल कसीस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाल कसीस का रासायनिक नाम है कोवाल्ट सल्फेट। CuSO4)7H2O इसका रासायनिक सूत्र है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी ये लिथियम धातु इसमें प्रयोग होती है। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है CGM का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्वार्ट्स का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्स का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। सूत्र है Na2SiO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? सही आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट। सूत्र क्या है इसका? K2CO3। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फेट का प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। साधारण नमक किसका प्रमुख अयस्क है? तो सोडियम का प्रमुख अयस्क होता है साधारण नमक। चिली साल्ट का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो चिली साल्ट का प्रमुख अयस्क है सोडियम। बोरेक्स किसका प्रमुख अयस्क है? तो बोरेक्स भी सोडियम का प्रमुख अयस्क है। सोडियम कार्बोनेट किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है सोडियम का। देखिए बॉक्साइड केउलिन फेल्सपार और कोरंडम तथा क्रायोलाइट ये सभी के सभी दोस्तों एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक ही बार में देख लेते हैं इनको, ठीक है, फिर से देखते हैं। बॉक्साइट केउलिन फेल्सपार कोरंडम और क्रायोलाइट ये सभी एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं। अब बात करेंगे पोटेशियम की। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट कार्बोनेलाइट पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड ये किसके प्रमुख अयस्क हैं? तो याद रखिएगा ये सभी पोटेशियम के प्रमुख अयस्क हैं। याद करना भी इनको आसान है। देखिए ये पोटेशियम के यहाँ पर देखिए इनके नाम में ही पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट, तीन तो आप याद कर सकते हैं, एक को आप अच्छे से याद रखिए कार्बोनेलाइट, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम के देखते हैं। डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो डोलोमाइट होता है कैल्शियम का प्रमुख अयस्क। कैल्साइट देखिए नाम से ही पता चल रहा है,
कैल्साइट, इससे आप इसको जोड़ सकते हैं, कैल्शियम का ये प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है, कैल्साइट। जिप्सम किसका प्रमुख अयस्क है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिप्सम ये भी कैल्शियम का ही प्रमुख अयस्क है। फिलोओस्पर किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है कैल्शियम का। एस्बेस्टस इंपॉर्टेंट है ये, एस्बेस्टस किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है कैल्शियम का। मैग्नेसाइट याद कर सकते हैं आप इसको आराम से, मैग्नेसाइट देखिए किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये मैग्नीज का है, ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम का, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का। डोलोमाइट इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम का ही प्रमुख अयस्क होता है। एप्सम साल्ट किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है मैग्नीशियम का। चालकोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है कॉपर का। कॉपर ग्लास किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये कॉपर का होता है, इजी है, यहाँ नाम में ही कॉपर आ रहा है, इसको देखिए इसको भी याद कर सकते हैं आप आसानी से। क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये भी कॉपर का ही अयस्क है, ठीक है, क्यूप्राइट। मेलेकाइट किसका प्रमुख अयस्क है, मेलेकाइट ये भी कॉपर का ही प्रमुख अयस्क होता है। एजुराइट, एजुराइट किसका प्रमुख अयस्क है, सही आंसर हो जाएगा कॉपर का, ठीक है, किसका, कॉपर का। जिंकाइट और जिंक ब्लेट, जिंकाइट और जिंक ब्लेट इंपॉर्टेंट है और नाम में ही इनके देखिए जिंक लगा हुआ है, तो ये किसके प्रमुख अयस्क हैं, आंसर है जिंक के, ठीक है, जिंकाइट और जिंक ब्लेट। कैलामाइन किसका प्रमुख अयस्क है, तो कैलामाइन ये जिंक का प्रमुख अयस्क होता है। बिलेमाइट किसका प्रमुख अयस्क है, बिलेमाइट ये जिंक का प्रमुख अयस्क है। बात करेंगे गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है, इंपॉर्टेंट है, आंसर है लेड का। गैलेना किसका प्रमुख अयस्क है, लेड का। सीरूराइट किसका प्रमुख अयस्क है, सीरूराइट ये लेड का प्रमुख अयस्क होता है। कैसेराइट किसका प्रमुख अयस्क है, सही आंसर है टिन का, ठीक है, टिन। ग्रीनोसाइट किसका प्रमुख अयस्क है, ग्रीनोसाइट ये कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। मिलेराइट किसका प्रमुख अयस्क होता है, मिलेराइट तो आंसर है निकेल का। पाइरोसुलाइट, पाइरोसुलाइट किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है मैग्नीज का। मैग्नेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है, मैग्नेटाइट ये मैग्नीज का ही प्रमुख अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों हेमेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है, हेमेटाइट ये आयरन का प्रमुख अयस्क है। लीमोनाइट किसका प्रमुख अयस्क है, लीमोनाइट ये भी आयरन का ही प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट ये किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है आयरन का। सिडेराइट किसका प्रमुख अयस्क है, सिडेराइट आंसर है आयरन का। आयरन पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो ये आयरन का प्रमुख अयस्क होता है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है। कॉपर पाइराइट किसका प्रमुख अयस्क है, सही आंसर है आयरन का। सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है, सिनेवार ये मरकरी का प्रमुख अयस्क है। रूबी सिल्वर किसका प्रमुख अयस्क है, इंपॉर्टेंट है रूबी सिल्वर ये सिल्वर का प्रमुख अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है सिल्वर का। कैल्वेराइट किसका प्रमुख अयस्क है, कैल्वेराइट तो ये गोल्ड का प्रमुख अयस्क होता है। सिल्वेनाइट किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है गोल्ड का। कार्नेटाइट, कार्नेटाइट किसका प्रमुख अयस्क है, सही आंसर है यूरेनियम का। इंपॉर्टेंट है पिच ब्लेड, पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है, आंसर है यूरेनियम का। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोनोजाइट, तो ये थोरियम का प्रमुख अयस्क है, मोनोजाइट, क्या नाम है इसका, मोनोजाइट।